फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जो है वो 52 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जो है वह है बी 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन होगा, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आ बा ला शा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका सही जो है ऑप्शन है वह है सी ला। ज्ञा ध्वनि का उदाहरण है उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या दत्त्य व्यंजन, तो इसका सही आंसर जो है वह है बी संयुक्त व्यंजन। यानी ज्ञा ध्वनि जो मुंह से निकल रही है वो किस चीज़, कौन सा व्यंजन है, तो इसमें जो है संयुक्त व्यंजन। व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय या संज्ञा, तो इसका सही आंसर जो है वो है संज्ञा। किसी का नाम बताते हैं वो शब्द जो है संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरी किताब है वाक्य में सर्वनाम का भेद होगा, इसमें जो सर्वनाम हुआ है तो उसमें कौन सा जो है भेद है सर्वनाम का, आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ए निश्चयवाचक। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से तालु वर्ण होगा, तालु वर्ण कौन सा होगा इसमें ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जो है वो है चा। उसके बाद है, उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता किसको लेनी पड़ती है, व्यंजन को, लिपि को, बोली को, लूट स्वर को, तो इसका सही आंसर जो है वो है ए व्यंजन को। जब भी हम लोग व्यंजन कोई भी यूज़ करते हैं या फिर व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। चालाकी शब्द में संज्ञा है, ये चालाकी जो वर्ड है इसमें कौन सी संज्ञा जो है इस्तेमाल हुई है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी भाव, यानी ये भाव निकल रहा है कि वो चालाक है। मेरी पुस्तक उसी ने चुराई है, ये वाक्य सर्वनाम किस भेद की ओर संकेत करता है, मेरी पुस्तक उसने चुराई है, ये आपको एक यहाँ पे जो है ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें ये बताना है कि कौन सा सर्वनाम, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद यूज़ हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी निश्चयवाचक, यानी ये पता है कि उसी ने चुराई है बिल्कुल। नेहा कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है, नेहा कपड़े धोती है इसमें आपको कौन सी क्रिया यूज हुई है ये बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है बी सकर्मक क्रिया। हमारे स्कूल में 3000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद होगा, इसमें जो विशेषण जो इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा विशेषण है, यानी कौन सा भेद है विशेषण का, ये आपको बताना है, तो इसका जो है संख्यावाचक, इसमें संख्या पता चल रही है, देखिए 3000 यहाँ पे संख्या यूज़ हुई है तो इसमें संख्या पता चल रही है। निम्नलिखित में से विषम्य आदि बोधक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है 4 ऑप्शन में से जो कि विषम्य आदि बोधक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर जो है वो है सी वाह।